हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी मट्ठी। सबसे पहले मीठी मट्ठी बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन, और पैन में डाले हैं 2 कप पानी। यहाँ पर अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ गुड़। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। 2 कप पानी में मैंने 2 कप ही गुड़ डाला है, जिसे मैंने हल्के छोटे क्यूब्स में तोड़ लिया था। इसे एक बार स्टर करेंगे, और धीरे धीरे स्टर करते करते हम देखेंगे गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। पानी बॉईल होने से पहले ही गुड़ इसमें सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं आटा। हमें जितनी भी मट्ठी बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम आटे को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने ली है सूजी, नॉर्मल सूजी ली है। और साथ यहाँ पर हमने डाली है सौंफ। सौंफ थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसी से सबसे अच्छा फ्लेवर आने वाला है मट्ठियों में। तो एक बार सूजी, आटा और सौंफ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फटाफट से एक बार मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने डाला है ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे घी को हल्का सा गर्म करके डालेंगे। और रिफाइंड को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप देखेंगे इसमें घी के थोड़े से लम्ब्स बन जाते हैं। तो अपने दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से मसल के सारे आटे को हमने स्मूथ कर लेंगे। अच्छे से आटे में घी मिक्स हो चुका है, पर चेक करने के लिए कि घी बराबर है इसमें है या नहीं, हम इस तरह से बना के देखेंगे। अगर वो बिना हमारे तोड़े ना टूटे तो मतलब कि घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें उसी गुड़ के पानी से हमने आटे को गूंदना है। ध्यान रखेंगे बहुत ही सख्त आटा हमें लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अप्रॉक्स सारा पानी मेरा यूज़ हो चुका है और आटा बनकर तैयार है। और आटा बहुत सख्त है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम। इसे थोड़ी देर के लिए कपड़े से ढककर रेस्ट करने देंगे। तकरीबन 1 से 2 घंटे मैंने इसे रेस्ट करने दिया है। अब इसे हल्का सा दोबारा से सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि आटा बहुत सख्त है, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये नहीं होगा। आटे को अच्छे से एक बार मसलने के बाद हम थोड़ा सा आटा लेंगे, और इसका देखिए थोड़ा सा आटा मैंने लिया है। इसे एक बार हल्के हाथ से हम रोल करेंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम इसे बना लेंगे। कुछ इस तरह से अपने दोनों हाथों की मदद से मैंने इसे एक सिलेंडर का फॉर्म दे दिया है। अब इसे चाकू से हमें छोटी छोटी डिस्क में काटना है। ये हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें एक नाइफ की हेल्प से इसे छोटी छोटी डिस्क बना लेंगे। सेम इसी तरह से हमने मसाला मट्ठी भी बनाई थी। इस तरह से डिस्क बनाकर मट्ठी बनाने से उसकी जो ऑड इवन शेप होती है, उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। बस इसे रखेंगे और अपने पाम की हेल्प से हल्का सा दबाते जाएंगे। इसे रोल करके ना बनाएं, वो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इस तरह से जब वो कहीं से मोटी और कहीं से थोड़ी पतली होती है तो उसका टेक्स्चर ज़्यादा अच्छा होता है। तो फटाफट से बस इसे दबाते जाएंगे और बनकर तैयार हो रही है। इस पूरे रोल की मठियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। एक बार हम आपको दिखाते हैं, अगर आप वेल कर बनाना चाहें तो कैसे बनेगी। आप एक अच्छे से रोटी के फॉर्म में इसे वेल लें, ध्यान रखेंगे ज़्यादा मोटी नहीं वेलेंगे।
इस तरह से मैंने इसकी साइड्स काट ली हैं ताकि उसकी ऑड इवन शेप ना हो। अब आप इसे चाहें तो स्क्वायर, ट्राइंगल, डायमंड शेप, किसी भी शेप में काट सकते हैं एज पर योर चॉइस। यहाँ मैंने स्क्वायर पीसेस को कट किया है और बस इन्हें भी बाकी मठियों की तरह ही नॉर्मल तलेंगे। अब यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल को गरम कर लिया है और ध्यान रखेंगे आँच ज़्यादा गरम ना हो। इसमें छोड़ते जाएंगे सारी मठियों को और देखेंगे कि वो अपने आप ही धीरे धीरे ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। आपके स्टर करने से पहले ही मठियाँ अपने आप ऊपर आ जाएंगी। एक बार अभी इन्हें हिला लेते हैं। ध्यान रखेंगे मठियाँ तलते हुए उन्हें हल्के हाथ से बार बार हिलाते रहेंगे ताकि वो आगे पीछे दोनों साइड से पक जाएं। और हमेशा सिम आँच पर इसे पकाएंगे ताकि अंदर तक पके। मठियाँ ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं तो अब इन्हें निकालना शुरू करेंगे फटाफट से। और ये देखिए मठियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड।